खबर रायपुर से, जहां पर आपदा प्रबंधन के तौर पर बैठक शुरू होने जा रही है। सीएम हाउस में होने वाली इस बैठक में कोरोना की हालातों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोविड 19 की रोकथाम और बचाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। रूपेश, कोविड 19 की रोकथाम और बचाव की कार्ययोजना इस बैठक में होगी, कौन कौन मौजूद रहेंगे और क्या कुछ खास इस बैठक में कोरोना वायरस को रोकने के लिए हो सकता है? देखिए, इस बैठक में खासतौर से जो राजस्व मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहेंगे, इसके अलावा तमाम अधिकारी रहेंगे। और चूंकि कल ही सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि कोशिश करें कि सरकार के तहत जो भी काम हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन तरीके से किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए बजाय इसके कि बैठक की जाए। शाम को कैबिनेट की बैठक होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। और इस बीच हमारे साथ मेयर रायपुर एजाज ढेबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रायपुर में कोरोना का पहला मामला हुआ है, आप लोगों ने काफी सफाई का अभियान शुरू किया हुआ था, अब इसको देखते हुए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, इसका तो सबसे बेस्ट इलाज यही है सावधानी, और जिस तरीके से रायपुर नगर निगम पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, हम लोग आप देखेंगे पिछले हम लोग 4 दिन से छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं कोरोना को लेकर, विशेष तरीके का छिड़काव जो चल रहा है आज सीएम हाउस में भी हुआ, जहां जहां पब्लिकली जो क्षेत्र है वहां पर हम लोग यह छिड़काव करवा रहे हैं। अभी जहां पर हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिस जहां पर वहां पर भी अभी हम लोग जाके इसका छिड़काव अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री निवास में उसका छिड़काव करने आए थे? हाँ, अभी हम लोग इसका सीएम से मुलाकात हुई। हाँ, सीएम साहब से मुलाकात हुई। क्या चर्चा हुई? नहीं, सीएम साहब ने यही बोला कि लोगों को अभी रायपुर शहर को बोलो कि ज्यादा पब्लिक से ना मिले, थोड़ा सा मतलब सावधानी बरते। देखिए, इसमें अभी अब हम लोग को सावधानी बरतना है, बहुत ज्यादा इसमें हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ, क्योंकि ये इतना संक्रामक इतना मतलब खतरनाक है, हमको सावधानी बहुत बरतना है इसमें, बस सावधानी बहुत बरतनी है। इसके अलावा जो मॉर्निंग वॉक्स वगैरह होते हैं उस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? धार्मिक आयोजन भी होने वाले हैं तो उस पर भी अपील करेगा नगर निगम? देखिए, अभी तो पूरे तरीके से जितने भी चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या होटलें हो, रेस्टोरेंट हो, आपके मॉल्स हो, यह पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बंद कर देना चाहिए। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मैंने अभी मांग की है कि ये पूरी तरीके से अभी बंद कर देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री से मांग की है कि बंद कर देना चाहिए, और दूसरी बात जो जानकारी आ रही है कि समता कॉलोनी जहां से संदिग्ध मरीज मिली है उसको धारा 144 लागू कर दी गई है, और इसके अलावा कलेक्टर अभी आपात बैठक ले रहे हैं, और इस बात की संभावना है कि रायपुर में धारा 144 लगाई जा सकती है या फिर नहीं लगाई जा सकती है, इसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तमाम अधिकार राज्य सरकार ने दिए हैं कि जो भी चाहे वो फैसला ले सकती है। धारा 144 वहां पर लगा दी गई है, आपको लगता है कि शहर में भी लगा देनी चाहिए? देखिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा डरने का वो नहीं है, 144 का मतलब एकदम कर्फ्यू टाइप का नहीं है, आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से एहतियात के तौर पर, क्योंकि इसमें तीन फेस होते हैं, तो पहला फेस हमारा जो 14 दिन का हमारा खत्म हो चुका, दूसरा जो हमारा फेस है जो 14 दिन का, ये बहुत एहतियातन है, और यदि अगर पूरे तरीके से 144 लगा दिया जाए मेरे हिसाब से तो पूरे तरीके से अभी सभी जितने सार्वजनिक वो है सभी को अभी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो सभी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जो भी सार्वजनिक जगहें हैं चाहे धार्मिक आयोजन हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम हो उन पर फिलहाल रोक लगानी चाहिए। और ये बात उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा के दौरान कही है, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है और इसमें जो पूरे प्रदेश से इनपुट मिलेगा उसी के आधार पर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या एहतियात बरते जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ ने काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, 450 ज्यादा मरीजों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था कर ली गई है, और इसको देखते हुए कोरोना का पहला मामला सामने आया है, लेकिन ये संख्या ना बढ़े ये बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से रूपेश, एहतियात बरते जा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जो कोरोना की संदिग्ध मरीज उनकी पुष्टि भी हो गई थी कोरोना वायरस को लेकर, फिलहाल उनके क्या हालत है, क्या कहना है डॉक्टर्स का, कहां उन्हें शिफ्ट किया गया है? देखिए, उनको एम्स में रखा गया है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, और सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली को आइसोलेशन में रखा गया है, 14 दिन तक देखा जाएगा, अगर कोई लक्षण मिलते हैं तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपेश तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में बैठकों का दौर जारी है, सीएम भूपेश बघेल बैठक ले रहे हैं और इसमें तमाम लोग मौजूद रहेंगे और कोरोना वायरस को लेकर बैठक है।
आपदा प्रबंधन की बैठक कुछ देर बाद अब शुरू हो जाएगी। सीएम हाउस में होने वाली इस बैठक में कोरोना की हालतों पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कोविड-19 की रोकथाम और बचाव की कार्य योजना इस बैठक में शुरू होगी।